गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और एक बार फिर से मैं आपके सामने अपना खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और बात करूंगी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को लेकर। भाई बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर हलचलें तेज हैं कि कहीं कुंडा से विधायक, 6 बार निर्दलीय विधायक जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जिनको तूफान सिंह के नाम से भी जाना जाता है और जिनको शॉर्ट नेम राजा भैया के नाम से पुकारा जाता है। कहा जा रहा है कि शिवपाल और राजा भैया की जुगलबंदी जो है वो बीजेपी के साथ नजर आएगी और तीनों मिलकर जो नाक में दम करेंगे वो है बुआ और बबुआ, यानी कि अखिलेश और मायावती। शिवपाल सिंह यादव ने फाइनली अंततः जो है अपने नए बंगले में प्रवेश कर लिया है और प्रवेश करने से पहले उन्होंने वहां पर पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद मीडिया से बात की। मीडिया से बात करने के दौरान कई सवालों के जवाब दिए। कुछ तो वही रिपीट टेलीकास्ट चलता रहा उनका, तो कुछ में कुछ ऐसा भी बोल गए जिससे कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत मिल गए हैं कि शिवपाल आने वाले दिनों में राजा भैया के साथ नजर आ सकते हैं या राजा भैया शिवपाल का हाथ थाम सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा भैया जब खुद ही अपनी पार्टी बना रहे हैं तो फिर उन्हें शिवपाल का हाथ थामने की जरूरत है क्या? राजा भैया अगले महीने आगामी 30 नवंबर को वहां पर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग में सारी प्रोसेस की जो चीज़ें हैं वो भेज दी हैं। उनकी पार्टी के नाम का ऐलान 30 नवंबर को हो जाएगा। बताएंगे वो कौन कौन से नेता जिनसे जुड़ रहे हैं। राजा भैया ने ये भी कहा था कि वो ना किसी से दोस्ती रखना चाहते हैं, ना ही किसी से बैर, यानी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राज्यसभा सांसद का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने अमित शाह के कहने पे बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उसके बाद अमित शाह शायद उनके लिए भूल गए। उसके बाद राजा भैया को चीज़ बुरी लगी तो भाई अखिलेश यादव से भी उनके रिश्ते जो हैं इन दिनों ताल्लुक है, क्योंकि उन्होंने सपा के पक्ष में जो है वोट नहीं किया। और राजा भैया बीजेपी सरकार से लेकर सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और राजा भैया के ऊपर कोटा भी लग चुका है। और इसके साथ ही DSP जियाउल हक हत्याकांड में भी वो आरोपी थे, उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि उसके बाद इस मामले पर ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर राजा भैया के रसूख का तो कुंडावासी और प्रतापगढ़वासी सारी अवध के क्षेत्र के लोग तो वाकिफ हैं ही। उनकी करोड़ों की संपत्ति है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजा भैया का सियासी रसूख है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। भले ही आधुनिकता के दौर पर चल रहे हों या बढ़ रहे हों उस रास्ते पर, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई राज्यों में बाहुबलियों का जो अवसर है वो देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली राजा भैया भी हैं। और अगर उनकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो निस्संदेह कोई भी उनसे शायद पंगा लेना मुनासिब नहीं समझेगा। बहुत से लोग उनके खिलाफ खड़े भी किए गए कुंडा से, लेकिन कोई भी उनको हरा नहीं पाया है। इससे बड़ी ताकत आप क्या समझेंगे राजा भैया की? अब शिवपाल के साथ राजा भैया क्यों आएंगे ये आपको बताती हूँ। राजा भैया की जबरदस्त जो है एक वोट अपीलिंग है OBC और राजपूतों के बीच में। और ऐसे में अगर मैं 2017 का आंकड़ा बताऊं तो जितने भी राजपूत 63 राजपूत लोगों को टिकट मिला था, जिसमें 57 बीजेपी के खाते में आए थे और 57 बीजेपी के खाते में आए थे। और इसके अलावा जो बाकी जो लोग बचे वो किसी बसपा के खाते में 1, सपा के खाते में 1 और जो बाकी जो पार्टियां थी कांग्रेस के खाते में 2 या 3 ऐसे चले गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा राजपूतों का वोट, राजपूत विधायक जिसके चुनकर आए थे 2017 में, वो थी बीजेपी पार्टी। अब ऐसे में राजा भैया को हराने के लिए तो शायद कोई भी अपना कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी राजा भैया के खिलाफ जीत नहीं सकता है। जैसे कि रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शायद कोई जीत नहीं सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस सीट पर उनका दबदबा है। और राजा भैया ने सर्वे कराया और कहा जा रहा है कि उस सर्वे के अनुसार लोगों ने उनसे विनती की, अपील किया, सलाह दी कि आप एक पार्टी बनाइए जब आपको इतना रसूख है। और इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए राजा भैया अब अगले महीने अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। अब शिवपाल यादव को क्या फ़ायदा हो सकता है, राजा भैया को क्या फ़ायदा हो सकता है? मैंने आपको अभी राजा भैया का एक वर्चस्व बताया है, राजपूतों के बीच वर्चस्व है। अब शिवपाल की बात करते हैं। शिवपाल जो है यादव वोट बैंक के सहारे ज़्यादा हैं। हालांकि OBC भी उनके खेमे में हैं, मुस्लिम भी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है गृह प्रवेश करने के बाद कि हमारी मुस्लिम वोट बैंक को भी नज़र है, मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे। और वो सपा के पहले सिपासलार रह चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने सामने बढ़ता हुआ देखा है, तो उन्हें पता है कि किस पार्टी को कैसे बढ़ाना है। उन्हें ये पता है कहाँ पर कमज़ोर नब्ज़ है, उन्हें ये पता है कहाँ पर मजबूती है। वो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं समाजवादी पार्टी के लिए पार्टी को लेकर। तो ऐसे में अब उसी चीज को वो एप्लीकेबल करेंगे अपनी पार्टी का विकास करने में। उन्हें बहुत अच्छे से पता है, बीजेपी इसी बात का तो फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अगर उनके खेमे में शिवपाल आ जाते हैं तो फिर ऐसे में वो सपा बसपा को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। बाई इलेक्शंस में बॉल बबुआ का कमाल कर गया और कहीं ना कहीं पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी के नाक में दम हो गया। एक भी सीट से जहाँ पे बाई इलेक्शन में वहाँ एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरह से बॉल बबुआ का कहीं ना कहीं करिश्मा जो था वो अब लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकता है। तो ऐसे बीजेपी को अब शिवपाल में बहुत बड़ी एक आशा की जीत नजर आ रही है, एक उम्मीद नजर आ रही है कि अगर शिवपाल को वो प्रलोभन देकर या पंगला देकर जो भी है अगर वो खींच लेते हैं तो दिक्कत क्या है। शिवपाल सिंह यादव ने गृह प्रवेश करने के बाद कहा है कि अखिलेश यादव ने भी ऐसे बहुत से लोगों को बंगला दिया है जो कि विधायक थे, नेता थे, और मैं तो फिर 5 बार विधायक रह चुका हूं, तो मुझे बंगला मिलना तो मेरा हक है और किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया है। ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। और जिस तरह से उन्होंने गृह प्रवेश करने के बाद कहा है और कहा है कि मेरी पार्टी में समान विचारधारा वाले लोगों का खास स्वागत है, इसीलिए तो उनके लिए सेकुलर मोर्चा बनाया गया। वो कहते हैं हम समाजवादी भी हैं और हम सेकुलर भी हैं। और उन्हें यह भी कहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत से लोगों को बंगला दिया जो विधायक नहीं थे, और मैं 5 बार से विधायक हूँ तो मेरा हक बनता है, मैंने आपको बता दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगला आवंटित करके किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया है। और बीजेपी के बी एजेंट होने पर भी उन्होंने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी का कोई एजेंट नहीं हूँ, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। और कहा है कि और ऐसे में अभी ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया था कि उनको बंगला दिया जा रहा है, Z+ की सिक्योरिटी दी जा रही थी। जाहिर सी बात इसके पीछे वजह यह है कि वो बीजेपी के बी एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं बीजेपी का बी एजेंट हूँ तो फिर आप क्या हैं, आपने तो बीजेपी से अलायंस करके बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो आप एजेंट हुए या फिर मैं एजेंट हुआ। ये शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर को जवाब दिया। ऐसे में फिर से उन्होंने यही बात दोहराई है कि मुलायम सिंह यादव की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उनका जो मोर्चा है चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा मैंने बहुत इंतजार किया, मैंने कहा 30 साल मैंने अपनी पार्टी को दिए, समाजवादी पार्टी को दिए हैं, मैंने बहुत इंतजार किया कि अखिलेश यादव अब सुधि लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव के रहते हुए मेरा अपमान हुआ और सभी विरोधी दलों ने बोला, क्योंकि अखिलेश यादव ने मौका दिया। अगर अखिलेश उस बात को संभाल लेते तो आज शायद मैं और वो एक साथ होते और कोई भी घर का तीसरा, कोई घर के बाहर का पड़ोसी भी शायद हमारे संबंधों पर कुछ भी चुटकी नहीं ले सकता था। लेकिन अखिलेश यादव ने मौका दिया और यही वजह है कि आज बीजेपी से लेकर चाहे कोई भी नेता हो वो खुलकर बोलते हैं कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल के साथ अच्छा नहीं किया। अब उनसे जब पूछा गया, एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि राजा भैया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और ऐसे में जिस तरह से कि राजा भैया भी नई पार्टी बना रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। और यानी कि और हम सब एक ही सोच के हैं। जिस तरह से उन्होंने राजा भैया के मामले पर इस तरह का बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी और राजा भैया की सोच काफ़ी मिल रही है या सोच मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं राजा भैया के आगे या तो बहुत ज़्यादा विनम्र हैं या शालीन है, क्योंकि राजा भैया पहले सपा में रह चुके हैं। उनको कभी ना मंत्री बनाया गया था सपा सरकार में, जब 2012 में वहाँ पे चुनाव हुए थे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, तो उनको कभी ना मंत्री बनाया गया था। लेकिन जियाउल हक हत्याकांड सामने आ गया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवपाल मुख्तार अंसारी को लेकर भी अपने कहीं ना कहीं अपना बयान दे चुके हैं कि हमारी पार्टी में स्वागत है, हम पार्टी नेताओं से बात करेंगे, अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत करेंगे। मुख्तार को लेकर ही तो झगड़ा हुआ था अखिलेश और शिवपाल के बीच में, क्योंकि मुख्तार अंसारी की एक आपराधिक छवि है और अखिलेश नहीं चाहते थे कि उनको शामिल करके समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो। अब शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, अपने हिसाब से नेताओं को शामिल करेंगे। राजा भैया की बात करें, हालांकि राजा भैया का सियासी रसूख तो अखिलेश यादव को भी पसंद आया था, लेकिन क्या हुआ जियाउल हक हत्याकांड में इस तरह से घिरे अखिलेश यादव कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा राजा भैया का। लेकिन उसके बाद भी देखिए 2017 में वो निर्दलीय विधायक चुने गए गुंडा से। तो ऐसे में आप सोचिए किस तरह से एक वर्चस्व है। तो यानी कुल मिलाकर शिवपाल ने गृह प्रवेश के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अपनी रणनीति को लेकर खुलासा किया है, राजा भैया को लेकर उन्होंने जो बात कही है वो साफ साफ जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं शिवपाल राजा भैया के साथ ट्यूनिंग बिठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि राजा भैया को ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि राजा भैया को ये पता है कि उनका एक रसूख है, उस रसूख पर पार्टी चल सकती है, लेकिन अगर उसमें शिवपाल का साथ मिल जाए तो क्या बुरा है। हालांकि राजा भैया शायद अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि बिना मेरी किसी से दुश्मनी है, जिनसे संबंध अच्छे थे वो अच्छे रहेंगे, चाहे मैं नई पार्टी बना लूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सपा में आपके कई समर्थित नेता भी हैं, तो क्या आप उनसे पार्टी ज्वाइन करवाएंगे अपनी? तो उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ये मेरा मसला नहीं है। तो कुल मिलाकर कहीं कि राजा भैया जिस तरह से बातें कह रहे हैं और शिवपाल ने उनके बारे में बात रखी है कि हम सब एक ही सोच के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजा भैया और शिवपाल एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से वही कहूँगी, सियासत है और कब कौन किसी साथ आ जाए, कौन कब किसी साथ अलग हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता है। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।